वेलकम टू WNW वुमेन एंड वर्क से। आज मैं आपके सामने गार्डनिंग के कुछ वैल्यूज़ बताती हूँ कि आप अपने गार्डन को, अपने टेरेस को कैसे सजा सकते हो, अपने घर में कैसे ग्रीनरी रख सकते हो। तो बेसिकली मैं आज डिफरेंट टाइप के अपने जितने भी प्लांट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करूँगी और आगे इसकी सारी वेराइटीज़, सारे डिटेल्स बताऊँगी, कैसे खाद पड़ता है, कैसे इसमें इसकी मेंटेनेंस होती है। इसको करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो जो लोग को ग्रीनरी पसंद है वो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आप देख सकते हैं कैसे लोग अपने घर को सजा सकते हैं, अपने खाली टाइम में कितनी खूबसूरती ला सकते हैं। और मैं अपना खाली टाइम अपने पौधों के साथ बिताती हूँ। मेरे पास 250 से ऊपर गमले हैं, सबकी देखरेख मैं खुद करती हूँ। इसमें डिफरेंट टाइप्स के पॉम ट्री हैं, सोवर प्लांट्स हैं, गेंदे के फूल हैं, 13 से 14 तरह के मेरे पास गुलाब के पौधे हैं। मैंने हैंगिंग गार्डन वगैरह भी लगा रखा है। डेंथस की मेरे पास 8-9 वेराइटीज़ हैं। ये देखिए मैंने छोटे छोटे प्लांट्स का रीयूज़ कैसे किया है। ये सब जो है छोटे छोटे डिब्बे हैं जिसका मैं रीयूज़ करती हूँ। ये मेरा मनी प्लांट है जो 4 साल पुराना है। ये पूरी प्लांटेशन मेरी 4 ईयर्स की है और पूरे 4 साल में मैंने 250 से ऊपर प्लांट्स लगाए हैं। रात की रानी, मनोकामनी, ये है देसी गुलाब, ये सब जो है कैरोटन है जो डिफरेंट वैराइटीज़ में है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें चना भी बोया है, चना के पौधे। ये देखिए स्ट्रॉबेरी भी हमारे यहाँ हैं, कड़ी पत्ता, बोगेनवेलिया की मेरे पास 4-5 वैराइटीज़ हैं। ये पर्पल रोज़ है, ये ब्लैक रोज़ है, संतरा की छोटी वैरायटी भी मेरे यहाँ है। इसका हम लोग नींबू के अचार की तरह अचार बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगता है। ये हरसिंगार का पौधा है जो अक्टूबर में खिलता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये अजवाइन का पौधा है, इसका अजवाइन जो हम लोग बेसिकली सब्जियों में यूज़ करते हैं और इसकी पकौड़ी भी बहुत अच्छी बनती है। प्यूटेनियम, पिंजी, इरिडियम, कंडोला, इन सबको मिला करके 250 से ऊपर वेराइटीज़ हैं प्लांट्स के। स्टेयर्स से लेके 3 फ्लोर्स तक मेरे पूरे पौधे हैं। मेरे पास लिली के 5 वेराइटीज़ हैं, पिंक, येलो, पर्पल, इसको हम लोग मोर पंख बोलते हैं।